और न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। कुशावा नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 के पार्षद पद के लिए कल हुए उपचुनाव का परिणाम आज घोषित हो गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी संपत्ति देवी चावला ने 318 मत हासिल कर भाजपा के सुनील चावला को 23 मतों से हराया, जिन्होंने 295 मत हासिल किए। गौरतलब है कि पूर्व में वार्ड नंबर 7 के भाजपा पार्षद अशोक चावला का निधन हो जाने के बाद पार्षद का पद रिक्त हो गया था, जिस पर कल उपचुनाव हुआ था। संपत्ति देवी चावला वर्तमान में नगर परिषद उपसभापति हेमराज चावला की पत्नी है और पूर्व में भी पार्षद रह चुकी है। कांग्रेस की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया, जो कि उपखंड कार्यालय से होता हुआ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने कहा कि पहले शेखरणपुर में भाजपा की हार और अब कुचामन में हुए उपचुनाव में भाजपा की एक और हार ने यह साबित कर दिया है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने एक महीने के भीतर ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कुचामन से कांग्रेस की जीत का ये संदेश पूरे प्रदेश तक जाएगा और आने वाला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। सरकार बनने के बाद में ये पहले करणपुर और उसके बाद में आज ये 7 नंबर वार्ड का चुनाव, कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। राजस्थान में सिर्फ 9 लाख मतों का अंतर रहा। कांग्रेस कुछ वोटों से लूज कर गई चुनाव, मात्र 1500-1500 वोटों से, लेकिन कांग्रेस का मत वो बड़ा है। इस क्षेत्र में भी हमने 83,000 वोट लिए हैं और जनता को हम विश्वास दिलाते हैं ये एकता की जीत है, कांग्रेस की जीत है, और जनता को ये विश्वास दिलाते हैं हम विपक्ष की भूमि में मजबूती से आपके हितों के लिए लड़ेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी हमने तैयारी कमर कस ली है और लोकसभा में पुनः हम शानदार प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस की परचम लहराएगा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 मार्च से निकाल रहे हैं, उसका एक संदेश जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से मैदान में उतरेगा, सीट शेयर हो चुका है और केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे उपचुनाव में इस जीत पर? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। पहली बार जब कांग्रेस पार्टी ने वापस जब उपचुनाव हुए तब करणपुर का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है और यहाँ पर मंत्री रहते हमारे राज्य मंत्री भी हमारे यहाँ के विधायक बीजेपी के विधायक और यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ है 7 नंबर वार्ड का। तो मैं समस्त वार्डवासियों को और पूरे कुचामन शहर के नागरिकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमारे बोर्ड पर विश्वास जताया और हमें भारी मतों से विजय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की इस वार्ड में जीत के साथ जनता ने कुछ अमल में तो कांग्रेस में विश्वास जताया ही है, प्रदेश को भी ये संदेश दिया है कि प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसको नकारा गया है, क्या कहेंगे आप? ये जो नगर परिषद कुचामन सिटी के 7 नंबर वार्ड का जो चुनाव है यह एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था। वैसे तो हमारी जो वार्ड की जनता है उनका शुरू से ही हम पर आशीर्वाद रहा है, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो गठन हुआ प्रदेश में और इनकी जो दमनकारी नीतियाँ हैं, एक महीने में समझ में आ गई जनता के कि किस प्रकार जो कर्णपुर में इन्होंने आचार संहिता का और कानून का उल्लंघन करके और एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है उसको जो वहाँ पे उम्मीदवार है उसको उन्होंने मंत्री बना दिया और मंत्री बनाने के बाद में चुनाव में उतारा और वहाँ की जनता ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया कि मंत्री होने के उपरांत और सरकार अभी अभी बनी है, 12 दिन उसको मंत्री बने हुए नहीं हुए उनको और उनको मुँह की खानी पड़ी, बड़े वोटों से हारे। उसी प्रकार हमारे जो कुचामन नगर परिषद का जो 7 नंबर वार्ड का चुनाव ये भी एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था और इसमें हमारे जो राज्य मंत्री है वो उन्होंने जो अपनी जो मुख्य मीटिंग थी यहाँ कुचामन की उसमें उन्होंने आह्वान किया था जनता से 7 नंबर वार्ड को जिताने का और इनको भारी मतों से जिताने की बात करी थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कुचामन की जनता ने वार्ड नंबर 7 की जनता ने ये उनको तमाचा मारा है कि ये जनता जो है ये नीतियों के साथ में सही कामों के साथ में आपकी गलत नीतियों के साथ में नहीं है। करणपुर का जिस प्रकार का चुनाव हुआ उसी प्रकार हमारे यहाँ के राज्य मंत्री के बार बार वार्ड में दौरा करने के उपरांत आचार संहिता का उल्लंघन करने के उपरांत उन्होंने अपने साधन का दुरुपयोग किया। वो नैतिक चरित्र की बात तो करते हैं लेकिन उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई और आचार संहिता का उल्लंघन करके और वार्ड में कई बार उन्होंने दौरा किया और सरकारी कर्मचारियों को लोगों को व्यक्तिगत फोन करके दबाव में लेने का प्रयास किया। उसके उपरांत 7 नंबर वार्ड की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बड़े मतों से जिताया। ये बड़ी जीत है, ये छोटी बड़ी जीत नहीं है। राजस्थान
कुचामन नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 के चुनाव का संदेश पूरे राजस्थान में जाए।